हाय गाइस, माय नेम इज़ गोविंद शर्मा और आज हम पढ़ेंगे द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक इज हाउ टू हैंडल द आउटलायर्स। आउटलायर्स क्या हैं और उसको हम कैसे हैंडल करेंगे और मिसिंग वैल्यूज़ को कैसे इम्प्यूट करेंगे, हाउ टू इम्प्यूट द मिसिंग वैल्यूज़ विद मीन्स एंड हाउ टू नॉर्मलाइजिंग ऑब्जर्वेशंस। एंड हम पढ़ेंगे वन हॉट इनकोडर। वन हॉट इनकोडर क्या है, कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं एज यूजुअल। पहले हम लाइब्रेरी कोड करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट एंटर टू एग्जीक्यूट। ओके, तो आउटलायर्स क्या है, आउटलायर्स इज अ डेटा पॉइंट दैट डिफर सिग्निफिकेंटली फ्रॉम अदर ऑब्जर्वेशन, और या हम सिंपल वे में कहें आउटलायर इज अ वैल्यू दैट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द अदर डेटा इन योर डेटा सेट। तो यहां पर मैंने एक डेटा फ्रेम क्रिएट किया है। ओके, और प्लीज डोंट गेट कन्फ्यूज, फॉर सेविंग अ टाइम मैंने यहाँ पर कमेंट लिख कर रखे हुए हैं। सो यहाँ पर मैंने एक डेटा सेट था उसका क्रिएट किया है। तो यहाँ पर प्राइस बाथरूम वन स्क्वायर फीट दिए हैं मैंने। तो यहाँ आप देख सकते हो कि आउटलायर्स आपको दिख जाएगा। तो दिस इज द सिक्स वैल्यू, दिस ऑल्सो सिक्स एंड दिस वन इज ऑल्सो सिक्स और दिस वन इज सेवन। तो दिस इज द एब्जर्ड वैल्यू, दिस इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर वैल्यूज, तो इसे हम कहेंगे आउटलायर्स। एंड दिस वन इज ऑल्सो एंड दिस इज ऑल्सो। तो हम इसको कैसे हैंडल करेंगे ये देखते हैं। ओके, तो अब हम इसको रन कर लेते हैं, कंट्रोल शिफ्ट एंटर टू एग्जीक्यूट। ओके, डेटा फ्रेम क्रिएट हो गया। तो आउटलायर्स को हैंडल करने के थ्री वे हैं, तेरा थ्री वे टू हैंडलिंग द आउटलायर्स। फर्स्ट वन इज ड्रॉप and second one is mark and third one is rescale. So drop is not a great option, so we lose lots of information, find out if genuine HTML value or broken sensor. Sometimes we have a large amount of data set and we lose lots of information. So hum dekh lete hain ki drop option kya karta hai. Let's start. हम लाइब्रेरी इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट पांडा कर लिए है तो डायरेक्ट हाउसेस ब्रैकेट के अंदर हाउसेस एंड यहां से हम कॉपी कर लेते हैं, बाथरूम उठा लेते हैं, बाथरूम सी एंड कंट्रोल की, और उसके अंदर हमें कंडीशन दे दी अगर लेस देन 20 हो तो वो हमें वैल्यू दे, अदरवाइज ड्रॉप कर वैल्यू ग्रेटर देन वाली। ओके, कंट्रोल शिफ्ट एंटर टू एग्जीक्यूट। ग्रेट, नाउ यू कैन सी इन आई पाइथन कंसोल उसने फोर्थ वाली वैल्यू को उसने ड्रॉप कर दिया, वैल्यू को उसने ड्रॉप कर दिया। सो दिस इज द वे हाउ टू हैंडल द आउटलायर्स अगर हम ड्रॉप ऑप्शन यूज कर रहे हैं। सेकेंड ऑप्शन है मार्क, मार्क इज द सेफेस्ट ऑप्शन, सो वी कैन सी इफ द आउटलायर हैड एन इफेक्ट। देखते हैं, इसके लिए हमें बूलियन कंडीशन क्रिएट करनी पड़ेगी, ठीक है। करते हैं प्रोसेस, इसके अंदर हमने दिया आउटलायर इक्वल टू एनपी डॉट कंडीशन हमने दे दिया ब्रैकेट के अंदर, हम यहां से कॉपी कर लेंगे कंट्रोल सी एंड कंट्रोल पी, ठीक है। अगर कंडीशन देंगे 20 हो तो हमें 0 दे, अदरवाइज 1। तो 1 इज फॉर एब्जर्ड वैल्यू एंड 0 इज फॉर नॉट। कोड इज रेडी, हाउस का डेटा एंटर। तो नाउ यू कैन सी 0 इज नॉट आउटलायर एंड 1 इज आउटलायर, सो दिस इज फॉर एब्जर्ड वैल्यू इज 1 एंड 0 इज नॉट एब्जर्ड। ओके, तो ग्रेटर देन की वैल्यू थी तो इसलिए उसने उसे 1 दे दिया जो कि हमने कंडीशन लगाई थी। ओके, सो दिस इज द वे टू हैंडलिंग द आउटलायर्स।
अब थर्ड वन इज रीस्केल, इसको हम लॉक फीचर भी बोलते हैं, ये सबसे ज़्यादा यूज होता है। ओके लॉग वैल्यू तो आउटलायर डोंट हैव एज ग्रेट एन इफेक्ट, सबसे बेस्ट पार्ट है हैंडलिंग द आउटलायर्स। करते हैं एक क्रिएट हाउसेस ब्रैकेट के अंदर, अब हम स्क्वायर फीट भी ले सकते हैं, ठीक है। तो हम दूसरा वाला भी यहाँ से लेके चलते हैं, तो यहाँ पर एक नाम दे देते हैं लॉग ऑफ स्क्वायर फीट, QUARE स्क्वायर फीट, हम स्क्वायर फीट ले रहे हैं तो स्क्वायर फीट का नाम दे दिया। ओके और ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम कंडीशन देंगे np डॉट लॉग x एंड x इन हाउसेस। ओके और ब्रैकेट के अंदर हमने दे दिया स्क्वायर फीट, कंट्रोल c कंट्रोल v। ओके अब इसको हम रन करते हैं, सेलेक्ट दिस कंट्रोल शिफ्ट ग्रेट, नाउ यू कैन सी आई पाइथन कंसोल। हम हाउसेस का चेक कर लेते हैं एंटर, आउटलेट्स को भी 7, 7 एंड 10, तो आउट अगर हम लॉक फीचर यूज करेंगे तो आउटलेट ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है, इसलिए लॉक फीचर बेस्ट रहता है आउटलेट को हैंडल करने के लिए। ओके अब हम देखते हैं हाउ टू इम्प्यूट द मिसिंग वैल्यू, मिसिंग वैल्यू को कैसे रिप्लेस करेंगे मीन से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो जैसा कि हमने पांडा और नम पी वाई क्रिएट कर लिया है, इंपोर्ट कर लिया लाइब्रेरी, तो इसके लिए हमें एक और लाइब्रेरी की जरूरत पड़ेगी। एज यूजुअल यूज़ करते हैं एसकेल डॉट प्री प्रोसेसिंग इम्पोर्ट और क्लास हो गई हमारी इम्प्यूटर, कैपिटल IMPUTE। ओके रन कर लेते हैं, गेट्स ग्रेट। अब हम एक एम्प्टी डेटा सेट क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो दिया df इक्वल टू pd डॉट कैपिटल डेटा फ्रेम एंड ब्रेसेस। ओके इसको रन कर लेते हैं, कंट्रोल शिफ्ट एंटर टू एग्जीक्यूट। अब यहाँ पर मैंने दो वेरिएबल पहले से ही क्रिएट कर लिए हैं फॉर सेविंग द टाइम, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने दिया एक्स वन और एक्स टू, तो फर्स्ट वैल्यू एक्स टू इज मिसिंग वैल्यू, तो मैंने फर्स्ट वैल्यू को मिसिंग वैल्यू दिया है। अब इसको हम मीन से कैसे रिप्लेस करेंगे ये देखते हैं, तो पहले इसको क्रिएट एग्जीक्यूट कर लेते हैं, कंट्रोल शिफ्ट एंटर टू एग्जीक्यूट। ओके डेटा फ्रेम के अंदर चला गया, यहाँ हम अगर देखें तो एक्स वन की वैल्यू दिस और एक्स टू में फर्स्ट वैल्यू जो है वो है मिसिंग वैल्यू। अब इसको हमें मीन से रिप्लेस करना है, हाउ टू इम्प्यूट मिसिंग वैल्यू। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ हम अब एक मीन अंडरस्कोर इम्प्यूटर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, इक्वल टू क्लास दे दी इम्प्यूटर जो कि ये वाली, एंड इसके अंदर मिसिंग वैल्यू इज नैन मिसिंग VALUES इक्वल टू नैन, और हम स्ट्रेटजी क्या अपना रहे हैं मीन से रिप्लेस करना है, तो स्ट्रेटजी इक्वल टू मीन। कॉलम के लिए हम देंगे एक्सिस इक्वल टू जीरो एज यूजुअल। ओके कोड इज रेडी, कंट्रोल शिफ्ट एंड ग्रेट, यहाँ आप देख सकते हो एग्जीक्यूट सक्सेसफुली। अब हम कंप्यूटर को ट्रेन करेंगे। ओके तो यहाँ से कॉपी कर लेते हैं इसको, कंट्रोल सी
कंट्रोल वी इक्वल टू इम्प्यूटर डॉट फिट, इसके अंदर हम दे देंगे df, डेटा सेट है हमारा, कोड इज रेडी, कंट्रोल शिफ्ट एंटर टू एग्जीक्यूट, ग्रेट। अब हम इस इम्प्यूटर को अप्लाई करेंगे df डेटा सेट से, ठीक है। तो यहाँ हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेंगे इम्प्यूटेड, कुछ भी नाम दे सकते हो, जैसा कि इम्प्यूटर चल रहा है तो मैंने इम्प्यूटेड नाम दे दिया, इम्प्यूटेड डॉट df इक्वल टू यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, मैं इसको ट्रांसफॉर्म करना है तो डॉट ट्रांसफॉर्म, ओके। अब इसके अंदर हम डेटा सेट देंगे df डॉट, और उसके अंदर हमें वैल्यूज को रिप्लेस करना है, वैल्यूज की मीन को values, ओके, केवल हमें वैल्यूज देनी है, इसलिए हमें df डॉट वैल्यूज दिया, कोड इज रेडी, कंट्रोल शिफ्ट एंटर टू एग्जीक्यूट, ग्रेट। अब यहाँ आप आईपाइथन कंसोल में देख सकते हो ये इम्प्लीट हो गया। अब हमें देखना है कि हमारी जो मिसिंग वैल्यू थी वो मीन से रिप्लेस हुई कि नहीं, आई थिंक हो जानी चाहिए। mpu इम्प्यूटेड अंडरस्कोर df एंड एंटर डेट, आप देख सकते हो जो हमारी एक्सयू की पहली वैल्यू थी वो क्या थी, यहाँ पर नैन थी जो मिस थी, तो उसको उसने क्या किया, मीन से रिप्लेस कर दिया, कि हमने स्ट्रेटजी मीन अपनाई थी यहाँ पर, ठीक है, मिसिंग वैल्यू नैन को स्ट्रेटजी से मीन से वो रिप्लेस कर दे, दैट्स ग्रेट। तो आपको आइडिया लग गया होगा कि हाउ टू इम्प्यूट द मिसिंग वैल्यू विथ मीन, ठीक है। 0.0 से वैल्यू फर्स्ट वैल्यू रिप्लेस बाय मीन। अब हम आगे बढ़ते हैं, अगर हमारी क्लास लेवल मिस है तो उसको हम कैसे हैंडल करेंगे, कैसे इम्प्यूट करेंगे उसे, ठीक है, देखते हैं। कैटेगोरिकल फीचर भी देंगे, ठीक है, खोल देते। तो 0100 और यहाँ पर क्या है, मिसिंग, दो वैल्यू मिसिंग है, ठीक है। अब हम इसको कैसे रिप्लेस करेंगे 010, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सबसे ज़्यादा वैल्यू कौन सी आई है यहाँ पर, 0100 सबसे ज़्यादा मोस्ट फ्रिक्वेंट वैल्यू इज 0, तो अब हम मोस्ट फ्रिक्वेंट से इसे रिप्लेस करेंगे, क्योंकि इसमें मीन की जरूरत तो है नहीं, तो जो सबसे ज़्यादा वैल्यू जो आ रही है मोस्ट फ्रिक्वेंट, तो हम यूज़ करेंगे, मोस्ट फ्रिक्वेंट इज नोन एज मोड, मोड तो पढ़ा ही होगा, इट्स वेरी सिंपल, मोड इज ऑल्सो कॉल्ड मोस्ट फ्रिक्वेंट वैल्यू, ओके। तो हम चलते हैं, सबसे पहले इसके लिए हम लाइब्रेरी इम्पोर्ट करेंगे, तो जैसा कि हमने कर चुके हैं लाइब्रेरी प्रोसेसिंग फॉर कंप्यूटर, ओके, नीड टू इंपोर्ट अगेन, हम इसको रन कर लेते हैं डेटा सेट को, मैट्रिक्स को, कंट्रोल शिफ्ट एंटर टू एग्जीक्यूट, ग्रेट। हम एक इंप्यूटर ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, इंप्यूटर इक्वल टू क्लास इंप्यूटर, उसके अंदर हम स्ट्रेटजी देंगे, पहले हमने मीन दी थी, अब यहाँ पर हम मोस्ट फ्रिक्वेंट देंगे, क्योंकि क्लास क्लास लेवल हमारी मिस है, मोस्ट फ्रिक्वेंट qument एंड एक्सिस इक्वल टू 0, दिस इज फॉर कॉलम, व्हाट इज रेडी, कंट्रोल शिफ्ट एंटर टू एग्जीक्यूट, नाउ यू कैन सेट कंसोल इज एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली। अब हम मिसिंग वैल्यू को फिल करेंगे मोस्ट फ्रिक्वेंट क्लास से, ठीक है, तो यहाँ हम दे देंगे एज यूजुअल इम्प्यूटर डॉट फिट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म,
वैल्यू को हमें ट्रांसफॉर्म करना है, और यहाँ पर क्या है एक्स। ओके कोड इज रेडी, कंट्रोल शिफ्ट एंटर टू एग्जीक्यूट। ओके तो हमने इसको रन नहीं किया था, हमें इसको रन करना पड़ेगा, या रन तो कर लिया है। यहाँ पर हम मिस कर दिया इम्प्यूटर डॉट फिट। ओके अगेन रन, कंट्रोल शिफ्ट एंटर टू एग्जीक्यूट। यहाँ आप देख सकते हो मोस्ट फ्रिक्वेंट वैल्यू से उसने रिप्लेस कर दिया। मोस्ट फ्रिक्वेंट वैल्यू यहाँ क्या थी, जीरो, तो उसने जीरो से रिप्लेस कर दिया। ठीक है, जीरो जीरो लास्ट की टू वैल्यूज। ठीक है, तो अब आपको समझ में आया होगा हाउ टू इम्प्यूट द मिसिंग क्लास लेबल्स। अगर क्लास लेबल मिस है तो उसको मोस्ट फ्रिक्वेंट से हम रिप्लेस कर देंगे। जैसे कि आप देख सकते हो सबसे ज़्यादा जीरो है क्लास लेबल, तो इसलिए उसने जीरो जीरो से रिप्लेस कर दिया नैन को। ठीक है, अब हम देखेंगे नॉर्मलाइजिंग ऑब्जर्वेशन। तो हमारे पास ऑब्जर्वेशन है, उसको कैसे नॉर्मलाइज करें, तो उसके लिए हम एज यूजर एक लाइब्रेरी इंपोर्ट करते हैं फ्रॉम sklearn डॉट प्री प्रोसेसिंग इम्पोर्ट नॉर्मलाइजर। ओके इसको रन कर लेते हैं, कंट्रोल शिफ्ट एंटर टू एग्जीक्यूट, इट्स एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली। ठीक है, और यहाँ पर मैंने फीचर मैट्रिक्स क्रिएट कर रखी है टाइम सेविंग के लिए पहले से ही। तो यहाँ आप देख सकते हो वैल्यूज कुछ छोटी वैल्यूज हैं, कुछ बड़ी वैल्यूज हैं, तो उसको हमें कैसे नॉर्मलाइज करना है। जैसे कि ये 29.8 है, द बिगर वन दिस 25.2 एंड दिस ऑल्सो 11.2। ओके तो इसको हमें कैसे नॉर्मलाइज करना है, ये हमें देखना है। ठीक है, तो जैसा कि हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं नॉर्मलाइजर। ठीक है, नॉर्मलाइजर इक्वल टू हमने क्लास जो दी थी नॉर्मलाइजर वो ले लेते हैं और ब्रैकेट के अंदर। तो नॉर्मलाइजिंग हम टू वे से कर सकते हैं, एल वन एंड एल टू। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला है वो आपने पढ़ा होगा हाई स्कूल में, हाउ टू नॉर्मलाइज द वैल्यू अंडर रूट एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस एक्स टू का होल स्क्वायर प्लस एक्स एन का होल स्क्वायर। तो ये एल टू का फॉर्मूला है, तो बाय डिफॉल्ट हम इक्वल टू एल टू दे देंगे। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट एंटर टू एग्जीक्यूट। ग्रेट, अब हम फ्यूचर मैट्रिक्स को ट्रांसफॉर्म करेंगे, तो यहाँ से कॉपी कर लेते हैं कंट्रोल सी कंट्रोल वी डॉट ट्रांसफॉर्म। ओके और यहाँ हमने दे दिया वाई, दिस वन कोड इज रेडी। ओके तो जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पर मैंने अभी इसको क्रिएट नहीं किया, इसको क्रिएट कर लेते हैं कंट्रोल शिफ्ट एंटर टू एग्जीक्यूट। ओके ये हमारी मैट्रिक्स क्रिएट हो गई, कंट्रोल शिफ्ट एंटर। अब इसको हमें फ्यूचर मैट्रिक्स को फिट करना है, कंट्रोल शिफ्ट एंटर। ग्रेट, यहाँ आप देख सकते हो कि सभी वैल्यूज वो नॉर्मलाइज हो गई हैं, 0.62, 0.34, 0.99, तो सभी एक लेवल में आ गई। तो हाउ टू नॉर्मलाइज द वैल्यू ये आपने देखा। ठीक है, ऑब्जर्वेशन कैसे नॉर्मलाइज करना है। अब हम वन हॉट इनकोडर की तरफ चलते हैं कि वन हॉट इनकोडर क्या है। वन हॉट इनकोडर इट इज़ अ बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कैटेगोरिकल डेटा। जब हमारा कैटेगोरिकल डेटा है तो उसको बाइनरी में कैसे रिप्रेजेंट करें ये। तो वन हॉट इनकोडर का सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है, एज यूजल मैंने यहाँ पर एक अरे क्रिएट कर लिया है मल्टीपल लेवल्स के लिए, जो स्टेट्स के नाम दिए गए हैं। तो पहले इसको हम रन कर लेते हैं। ओके, रन करने से पहले हमें लाइब्रेरी की जरूरत पड़ेगी, तो फ्रॉम एज यूजल sklearn डॉट प्री प्रोसेसिंग इम्पोर्ट मल्टी लेवल बाइनराइजर। ये हमारी क्लास है। ठीक है,
तो इसको हम रन कर लेते हैं लाइब्रेरी को एंटर। ओके इट्स एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली। अब यहाँ पर एक मैंने अरे बनाया है सॉरी, हाँ तो इसको हम भी रन कर लेते हैं कंट्रोल शिफ्ट एंटर टू एग्जीक्यूट। ग्रेट। अब मल्टी लेवल बैनराइजर हम क्रिएट करेंगे तो इसको हम एक नाम दे देते हैं। हम वन हॉट इनकोडर पढ़ रहे हैं तो यहाँ हमने नाम दे दिया वन अंडरस्कोर हॉट। ओके तो जैसा कि हम वन हॉट इनकोडर पढ़ रहे हैं तो ये सिंपल है, हमने वन हॉट दे दिया। तो यहाँ पर इसकी जो क्लास है ये हम दे देते हैं, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। ओके कोड रेडी, इसको रन कर लेते हैं कंट्रोल शिफ्ट एंटर टू एग्जीक्यूट। ग्रेट। अब हम इसको इनकोड करेंगे कैसे, तो कंट्रोल वी यहाँ पर वन हॉट इनकोड डॉट एज यूजल फिट अंडर स्कोर ट्रांसफॉर्म। ओके अब इसके अंदर हम दे देंगे जेड। ओके कोड इज रेडी, कंट्रोल शिफ्ट एंटर टू एग्जीक्यूट। दैट्स ग्रेट। नाउ यू कैन सी इन आई पाइथन कंसोल, तो इसने कैटेगोरिकल डेटा को बाइनरी में रिप्रेजेंट कर दिया 01 में। ठीक है, अगर हमें इसकी क्लासेस को देखना हो तो कैसे देखेंगे, सिंपल है वन हॉट डॉट क्लासेस अंडर स्कोर कंट्रोल शिफ्ट एंटर टू एग्जीक्यूट। तो यहाँ हम देख सकते हैं पाइथन कंसोल में क्लासेस है अल्बामा कैलिफोर्निया डेलवेयर फ्लोरिडा न्यूयॉर्क टेक्सास और डेटा टाइप ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये जो हम हमारी जो क्लासेस थी वो हम ऐसे देख सकते हैं। ओके गाइस, और अगर वन हॉट इनकोड अगर नॉमिनल कैटेगोरिकल फ्यूचर का हो तो हम क्या करेंगे, ये तो मल्टीपल्स के लिए था और सिंगल के लिए हम करेंगे केवल लेबल बैनराइजर इंपोर्ट। ठीक है, मल्टी हटा देंगे यहाँ से और बाकी सब सेम रहेगा, और यहाँ से भी मल्टी हटा देंगे जो भी हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, और बाकी सब सेम रहेगा। ओके गाइस, आई होप आपको पसंद आया होगा। तो इफ़ यू लाइक दिस ट्यूटोरियल तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और प्लीज़ हो सके तो शेयर भी कर दें। थैंक यू गाइस।